ग्रहों के सेनापति मंगल जल्द ही करेंगे नई हलचल। महाबली मंगल इन राशियों के पूरे करेंगे अधूरे सपने। छह राशियों को बनाएंगे किस्मत के शहंशाह। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 27 दिसंबर से बहुत पावरफुल होने जा रहे हैं, क्योंकि वह 27 दिसंबर को रात 11:40 पर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मंगल को देवगुरु बृहस्पति का पूरा बल मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। दोनों ग्रह बहुत मित्र हैं और इससे मंगल और ताकतवर होकर अपने शुभ फलों में बढ़ोतरी करेंगे। मंगल के इस राशि परिवर्तन से कई राशियों की किस्मत चमक उठेगी और अधूरे सपने भी पूरे होंगे। यानी जाते हुए साल का ये जो अंतिम सप्ताह है और ये जो अंतिम दिन है, उसमें मंगल अपना पूरा दम दिखाने वाले हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मंगल जब पावरफुल हो जाते हैं तो आपके रास्ते की तमाम अड़चने हर्डल्स दूर करते चले जाते हैं। जीवन में मंगल ही मंगल कर देते हैं। मंगल अगर कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति सारी उम्र शान से जिंदगी जीता है, स्वाभिमान से जिंदगी जीता है, पूरी अणख से जिंदगी जीता है और शत्रु लाख साजिशें रचकर भी उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर पाते। मैं हिमाचल गवर्नमेंट में ऑफिसर रहा हूं, सीनियर ऑफिसर रहा हूं। मैंने कई नेताओं की कुंडलियां देखी हैं, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स की कुंडलियां देखी हैं। जिन नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की कुंडली में मंगल का डंका बजता था, उन्हें राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो दबंग होकर डिसीजन लेते देखा है और उनके डिसीजन जो है एक मील पत्थर भी साबित होते देखे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल जब देने पर आते हैं तो हमें मजबूत इच्छा शक्ति भी देते हैं, बोल्ड डिसीजन लेने की क्षमता भी देते हैं, जीवन में रिस्क लेने का, जोखिम उठाने का जज्बा भी देते हैं और बुलंदी के शिखर पर कामयाबी का झंडा गाड़ने का जुनून भी हमारे भीतर देते हैं। यही मंगल ग्रह 27 दिसंबर को महाबली होकर अपनी पूरी ताकत इस ब्रह्मांड को दिखाने वाले हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा का, साहस का, शौर्य का, शक्ति का, परिश्रम का, भाई का और भूमि का कारक माना जाता है। मंगल ग्रह किसी व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार पर सीधा असर डालते हैं। कुंडली में मंगल शुभ स्थान पर विराजमान हो तो राजयोग दिलाते हैं, उस व्यक्ति में जोश, जज्बे और उत्साह का संचार करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। यानी मंगल आप पर मेहरबान हो तो जीवन में हर तरफ मंगल ही मंगल होता है, लेकिन कमजोर या अशुभ मंगल जीवन में अमंगल का विष घोल देता है। वैसे तो मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में एक क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन जब मंगल शुभ होते हैं तो व्यक्ति को साहसी बनाते हैं। सेना में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में उच्च औहदे तक ले जाते हैं। अशुभ होते हैं तो क्रोधी बना देते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेष राशि और वृश्चिक राशि ये मंगल की अपनी राशियां हैं। मकर राशि में उच्च के होते हैं, कर्क राशि में ये नीच के हो जाते हैं। मंगल ग्रह के धनु राशि में प्रवेश करते ही जिन राशियों का डंका बजना शुरू होगा, उन राशियों का जिक्र अपनी इस पोस्ट में मैं करने जा रहा हूं, इसलिए पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कि आपकी राशि भी उन भाग्यशाली राशियों में शुमार हो। ऐसी पहली भाग्यशाली राशि वृषभ राशि है। मंगल का ये गोचर वृषभ राशि वालों के लिए विशेष शुभदायी रहने वाला है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो कामयाबी मिलेगी। अचानक से पैसा मिल सकता है। सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कामयाबी मिल सकती है। मैरिड लव जो कपल्स हैं उनकी मैरिड लाइफ और भी सुखदायी और आनंदपूर्ण हो सकती है। वृषभ राशि वालों की पर्सनैलिटी निखर कर सामने आएगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। बिजनेस में फायदा होगा, धन का लाभ होगा। जीवन में कई तरह के शुभ परिवर्तन देखने को मिलेंगे और प्रमोशन का योग भी बनेगा। दूसरी भाग्यशाली राशि सिंह राशि है। मंगल का राशि परिवर्तन सिंह राशि यानी लियो वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। हालांकि कुछ कन्फ्रंटेशन के चलते मानसिक चिंता से परेशान रहेंगे। वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए बेहतर है। प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए स्थिति फेवरेबल रहेगी। प्रमोशन मिल सकता है। कुछ लोगों की जॉब भी बदल सकती है। ऑफिस में कोलीग्स और अधिकारियों के सहयोग से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी और नया वाहन खरीदने का आपका सपना भी साकार हो सकता है। तीसरी भाग्यशाली राशि कन्या राशि है। कन्या राशि वालों को बिजनेस में और कैरियर में जबरदस्त कामयाबी मिल सकती है और आप नई प्रॉपर्टी, नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। साथ ही जो कन्या राशि के लोगों का कैरियर, शिक्षा और मार्केटिंग से जिनका जुड़ा हुआ है, उनके लिए समय बहुत अनुकूल साबित होगा। शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी में आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। चौथी भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले यदि सावधि में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता।
आर्थिक स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी नए प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो भविष्य में आपको फायदा देगी। कैरियर भी नई उड़ान भरेगा, खासतौर पर पॉलिटिक्स में एक्टिव लोगों के लिए कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, बड़ा पद मिल सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पांचवी भाग्यशाली राशि कुंभ राशि है। मंगल कुंभ राशि वालों को सकारात्मक फल देंगे, पॉजिटिव नतीजे देंगे। आपकी ऊर्जा और आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक रहेगा। इस दौरान जो है आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, हर काम में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, अटके हुए काम बनने लगेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, नई गाड़ी भी आप ले सकते हैं। और जो एजुकेशन सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं उन्हें खासा लाभ होगा। कामकाज में आपका दायरा भी बढ़ेगा, आपका प्रभाव भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। छठी भाग्यशाली राशि धनु राशि है। मंगल के गोचर से धनु राशि वालों को आर्थिक रूप से लाभ होगा। बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आप कर पाएंगे, विदेश जाने के योग बनेंगे, सामाजिक स्तर पर आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, आपका सोशल सेक्टर में आपका और जो है वो दायरा बढ़ेगा। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं उन्हें कोई ऊंचा ओहदा मिल सकता है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।